वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, तो हमने ऑसिलेशन के स्टार्टिंग के कुछ फेजेस किए. वी हैड डन द ऑसिलेशंस एंड इन ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीन टॉपिक किया एंड एज वेल एज वी हैड डन द फेज ऑफ एसएचएम जो हमारी लास्ट टॉपिक जो हुई थी वो हमने टॉपिक कंप्लीट किया. अब हम उन्हीं पे बेस जो हैं वो एमसीक्यूज जो हैं जो जेई लेवल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा एक क्विक रिवीजन सा कुछ अच्छे शॉर्टकट्स कुछ सिनॉप्सिस ले लेते हैं उनसे ही रिलेटेड एंड देन वी विल डू द सम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस एच सी वर्मा. ओके, फेज वन. सो आप सभी लोग एच सी वर्मा के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सरसाइज को ओपन कर लीजिएगा और नहीं ओपन किया तुरंत क्विक एंड फास्ट ओपन वीडियो को पॉज करके तुरंत आप ओपन कर लीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट द सम्स. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सम्स लेट अस जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा हल्का सा एक क्विक रिविजन्स कर लेते हैं. तो चलिए हम एक क्विक रिविजन करते हैं. आपने देखा कि एज वी हैव स्टार्टेड इन सिंपल सिंस दिस टॉपिक हैज़ ए नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो, ऑसिलेशन को ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा कि एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है. Where this alpha is called as a phase constant. Remember, so कई बार ये होता है कि suppose ये आपको मैं एक छोटा सा example simple pendulum का ले रहा हूँ और ये आपका mean position है. ठीक है, ये आपकी extreme position है. Okay, now number one, अगर पार्टिकल मीन से ही चालू होता है, नंबर वन, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस फेज कांस्टेंट. इसके ऊपर कभी कभी सम्स आते हैं तो वो स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं फेज कांस्टेंट से रिलेटेड. तो जब व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन, मीन से ही स्टार्ट कर रहा है, सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो. नंबर वन. नंबर टू, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड टू एग्जांपल, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब पार्टिकल ऑलरेडी जो है वो यहां पे है. Here it is half of them. तो ऐसे सिचुएशन पे फेस कैसे बच्चे? तो डायरेक्टली मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, x is equals to a cos theta. यही आपका जो theta है वो आपका है फेस कॉन्स्टेंट. सो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, when the particle starts from half of amplitude, यानी x की जगह पे half of amplitude a रखेंगे, सॉरी यहाँ साइन थीटा, बिकॉज इन द जनरल फॉर्मूला देर इज अ साइन थीटा. सो साइन थीटा ए एंड ए कैंसल. सो इफ यू टेक सिंस इट इज अ हाफ, सो द वैल्यू फॉर द थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, हेंस यू कैन से दैट द थीटा इज 30 डिग्री. सो पाई बाय 6 रेडियंस. सो इन दिस केस द फेज कॉन्स्टेंट विल बी अ पाई बाय 6. आई होप सबको चीजें समझ में आ रही है. जस्ट इमेजिन कीजिए थर्ड केस, ये आप खुद कर लीजिएगा, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम. अब आपको भी पता है एक्सट्रीम पे है यानी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया. आप ऑलरेडी पार्टिकल यहां पे है, यहां पे डिस्टेंस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ए होता है. तो व्हेन द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, सो वही सेम फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, थीटा निकाला वही थीटा आपका अल्फा होगा जो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए
So the value for x is a, and here is also a, and this is your sine theta. A and a cancel, 1. So theta is sine inverse of 1, so which says that theta is 90, और इस सिचुएशन में आपको 90 आ जाता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फेज निकालना है, इसके लिए सबसे सिंपल सा ट्रिक है x is equals to a sin theta कंसेप्ट से आप तुरंत उसी समय फेज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमेगा टी के साथ में कुछ एडिशनल एंगल भी पहले से ही ऐड होगा, नहीं तो इक्वेशंस आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये फटाफट कर लीजिए। दूसरा, आपने कॉपी कर लिया इसको, ये तो था डिस्प्लेसमेंट्स वाली कॉन्सेप्ट्स में हम कैसे फेस से रिलेटेड, फेस कांस्टेंट से रिलेटेड सम्स कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो कई बार ऐसा आता है, सेकंड इज टाइम, टाइम रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये आपका मीन है एंड हियर इज योर एक्सट्रीम, इस पर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मीन और एक्सट्रीम में। पार्टिकल जो है वो मीन से स्टार्ट करता है, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू गो, ए ऑप्शन है, फ्रॉम मीन टू पॉजिटिव और ए निगेटिव एक्सट्रीम, कभी कभी पॉजिटिव के बजाय निगेटिव एक्सट्रीम भी आ जाता है। तो मीन से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन, दैट मीन्स द पार्टिकल इज हियर एंड द पार्टिकल इज गोइंग ओवर हियर। सो इन दिस केस द एंटायर थिंग, द एंटायर जर्नी जो वो ट्रेवल करेगा उसमें जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा। सो इन दिस केस एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन, क्योंकि वेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन, मीन से स्टार्ट करता है तो फॉर्मूला क्या आता है, साइन ही आएगा, और एक्सट्रीम से चालू करता है तो मैंने आपको पहले कहा एक्सट्रीम पे फेज कॉन्स्टेंट अल्फा जो है वो अभी हमने किया था 90 पे चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे जा चुका है, वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो 90, तो वहाँ पे 90 जब आप यहाँ रखेंगे तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको कॉस वाला फॉर्मूला यूज करना है। आर यू गेटिंग, ठीक है। तो ये मीन से स्टार्ट कर रहा है इसलिए सिर्फ ओमेगा टी प्लस अल्फा तो जीरो है, इसलिए हम इसमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब वो एक्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे जाता है, यानी एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ए हो जाता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा एंड दिस इज योर ए एंड दिस इज योर साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे एक्स जो है ना वो आपको ये देखना है कि मीन से कहाँ पे, वो एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन, तो किधर भी जाना है जा, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसका मीन से डिस्टेंस कितना, अगर तू मीन पे ही है तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। Are you getting? So here the particle is going where it is going. It is going to extreme end, positive extreme. तो आप देखिए positive extreme में जाना है तो displacement कितना cover करना है? So कितना cover करना है? A. So you will have to write A here. So if you're going to put here A1, this is your sine omega t. अब question जो आता है, आपको पता है कि ये sine will go on that side, that will come as a 90. So this is your omega t. So time पूछता है. तो as you know that this is pi by 2, omega is 2 pi by t into small t, that pi and pi cancel, cross multiply, t by 4 will be your time. So time period का 1/4 लगता है, और सभी को मालूम है कि देखिए आपको याद होगा मेरा जब आपने phase वाला concept या time period वाली concept देखा था उसमें मैंने बताया था आपको कि कभी भी एक time period में particle जो होता है वो 4a displacement करता है, ए कवर करने के लिए टी बाय फोर होगा। सो दिस इज वाई वी गॉट दैट टी बाय फोर। तो ये हुआ कि मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, गड़बड़ी कहाँ होती है अब एक से, गड़बड़ी देखी कहाँ होगी कि व्हेन फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, अब गड़बड़ी होगी। मीन से हाफ, अब यहां से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप ए बाय टू तक जाना चाहते हैं, यहां से यहां तक, तो जीरो टू ए बाय टू में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ स्टूडेंट ये कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि जीरो टू एक्सट्रीम ए डिस्टेंस कवर करने टी बाय फोर लगा, तो इतना करने का टी बाय फोर है, तो इसका तो टी बाय फोर का हाफ, तो टी बाय एट लिख देगा, और वहीं वो गड़बड़ी कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज हियर द एक्सेलरेशन इज देयर, एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एक्सट्रीम एंड पे जाएगा स्पीड कम होती जाएगी,
यहाँ आते आते स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम, जबकि दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, यहाँ डिस्टेंस कम कवर करेगा, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा करेगा, तो यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ कम टाइम में कवर हो जाएगा और यहाँ उतना ही डिस्टेंस होता है ज़्यादा टाइम कवर करेगा, ओके। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मतलब ये मत कर देना हाफ ऑफ कर देना, कैसे देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीन टू ए बाई टू। तो मैंने आपको बता दिया ए बाई टू पे जा रहे हैं, मतलब एक्स कितना आएगा ए बाई टू, तो फॉर्मूला तो आपका यही है, एक्स इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी। सो वेन यू पुट हियर, सो यू विल राइट हियर ए बाई टू हियर ए एंड हियर यू हैव अ साइन, कॉमन टेल मी, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज टू पाई बाई टी, टी इन टू स्मॉल टी, ए एंड ए कैंसिल, साइन विल गो, तो साइन इनवर्स हाफ जो होगा वो आपका पाई बाय सिक्स होगा, एंड दैट विल बी योर टू पाई बाई टी इन टू स्मॉल टी, दैट पाई एंड पाई कैंसिल, सो यू विल गेट टी बाई ट्वेल्व इज विल बी योर टाइम। तो आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ से मीन से हाफ ऑफ ये जाने के लिए टी बाय ट्वेल्व टाइम में पहुँच गया पार्टिकल, टी बाय ट्वेल्व, रिमेंबर टी बाय ट्वेल्व सेकेंड्स में पार्टिकल जो है वो मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पहुँच गया। अरे गेटिंग, मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन कि मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में टी बाई ट्वेल्व गया, तो क्या हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू मीन जाने में रिवर्स करने में क्या उतना ही टाइम जाएगा, है ना कुछ इंटरेस्टिंग बात। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम टेकन इज टी बाई ट्वेल्व, नाउ विल इट टेक द सेम टाइम टू गो अगेन बैक टू द मीन पोजिशन। अब आप में से आधे स्टूडेंट्स जो होंगे या ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यस सर ऑफकोर्स अगर जाने में उतना टाइम लगेगा वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, नहीं कुछ अलग सिनेरियो होंगे वो भी देखते हैं हम लोग। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए फास्ट, क्विक एंड फास्ट कॉपी कर लीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला कंडीशन जो कि मैंने आपसे पूछा था कि वेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए बाई टू टू मीन, सो ए बाई टू से यहाँ पे है, ए बाई टू से मीन की तरफ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है आपकी मीन पोजिशन, पार्टिकल यहाँ से यहाँ के लिए जा रहा है, तो और ये है आपके एक्सट्रीम एंड्स, तो जब वो इस तरफ ये वाली कैलकुलेट करनी है तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर वन एक्सट्रीम से मीन का कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर टू एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड निकालेंगे, this time minus this time will tell you about this one, so this is how you can easily calculate that, okay. So let's start from, as you know, from step number one extreme to a by 2 kitna lagega, to extreme se start karta hai to x is equals to a cos omega t, why I'm taking cos because it the particle is starting from the extreme end, okay. So as I can say here, since here the displacement, since it has to cover a by 2, so how much will be the x, it will be a by 2, here it is a cos omega t, a half cos inverse of half which is your omega t, which cos value is half, so you can say that cos 60 will be your half, this is your 2 pi by t into your t1, let us see the time is t1, so cross multiply pi pi cancel, so t by 6 will be the time t1, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में t by 6 time लगता है, t by 6 time is taking from here to here, now from extreme to this will be your t by 4, as you all know that the time taken by that will be a half of the amplitude, a cover करने के लिए, a complete करने के लिए t by 4, so this is a half, t by 4 will be the time, so second step, as you know that from extreme से mean जाने के लिए आपको time t2 जो लगा that is your t by 4, step number 3 which is the last step and that is from a by 2 to mean के लिए क्या कितना लगेगा, हम क्या करेंगे that required time will be the difference, so which is a greater time t2 minus t1, t2 is t by 4 minus t by 6, okay, cross multiply, so you can take an example 3 LCM 2, so 3t minus 2t, t by 12 seconds, okay, so that means the 90% students who were thinking of that,
कि जितना जाने से आने में लगा उतना ही वापस जाने में लगेगा, दैट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द वैल्यू विल बी टी बाय 12, हैंस द आंसर विल बी सेम, टी बाय 12 विल बी योर आंसर्स. ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी सी इसमें ट्रिकी होते हैं, जरा कॉपी कर लीजिए इसे. ठीक है, कॉपी कर लिया. ओके, अब कुछ स्टूडेंट जो है, मतलब कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है कि फिफ्थ कंडीशन जो है फ्रॉम प्लस ए बाय टू टू माइनस ए बाय टू, हाउ मच विल बी द टाइम. मतलब यहां से स्टार्ट, यहां से यहां तक का हाउ मच टाइम विल बी टेकिंग, दैट इज द क्वेश्चन. फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्वेश्चन आता है कि यहां से यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन आएगा आपको और आपको इसके आंसर्स बताने हैं. सोचिए 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 जरा कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक. एज यू ऑल हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू यू गॉट इट एंड दैट इज फाउंड टू बी समथिंग. कम ऑन, वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर इज फाउंड टू बी टी बाय 12. ठीक है, सो हाउ मच विल बी दिस, गेट दैट वैल्यू. ठीक है, सोचिए. सोच लिया, देखिए बेटा आप लोग ने अभी, हमने जो केसेस किए हैं, जो फिफ्थ केस जो है वो बहुत ही फेमस है, वो कई बार एग्जाम में आता है. माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू मूवमेंट हो रही है, माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू, दैट मीन्स फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, यहाँ से यहाँ तक इस प्लेस के बीच में कितना टाइम लगा, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, ये इस पे क्वेश्चन आता है. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में. ओके, जरा सोचिए. ओके, ठीक है, तो सोच लिया होगा आपने. अब मैं बताता हूँ आपको कि अभी हमने देखा कि मीन से एक्सट्रीम, मीन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में हमको टाइम जो लग रहा है वो टी बाय 12 लग रहा है. सो देखिए, दिस इज माइनस ए बाय टू, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस ए बाय टू. सो माइनस ए बाय टू टू जीरो आने में आपको टाइम लगा टी बाय 12 सेकेंड्स. ओके, एंड देन अगेन फ्रॉम ईयर टू ईयर द सेम टाइम टी बाय 12 सेकेंड्स. अभी हमने प्रूव भी किया था कि दोनों टाइम सेम लगता है. सो इफ यू एड देम, तो टू टाइम्स ऑफ टी बाय 12 विच विल बिकम टी बाय 6 सेकेंड्स. सो द टी बाय 6 सेकेंड्स विल बी द फाइनल आंसर विच विल बी रिक्वायर फ्रॉम माइनस ए बाय 2 टू प्लस ए बाय 2. ओके, अब मैं आपको एक कुछ एक ऐसा कुछ हम लोग फाइनली हम कुछ कंक्लूजन जो है वो आपको बताते हैं, या आप कंक्लूजन जो है वो हमेशा याद रखिएगा, विच विल हेल्प यू लॉट वाइल सॉल्विंग द सम्स. एंड व्हाट्स दैट, तो सी इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अगर आप ये है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय टू. नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू ओनली टिल ए बाय टू द टाइम, here how much will be the time. So I'm talking about only the time, how much time will be required. So if you are going from 0 to a by 2, x is equals to a by 2, then the time required will be t by 12 seconds. Lekin wahi displacement aage ke liye, utna hi equal displacement aage ke liye t by 6 seconds lagega. Dekhiye double, यहाँ टाइम डबल लग रहा है, यहाँ क्योंकि स्पीड यहाँ आते आते स्लो होने लग रही है, इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ कम टाइम लगेगा. ओके, दैट इज़ फ्रॉम जीरो टू ए बाय टू एंड देन ए बाय टू टू ए, ये याद रखिएगा. आप ए से ए बाय टू जाएंगे तभी भी आपको टी बाय सिक्स ही लगेगा, ये चीज़ें आप याद रखिएगा. जीरो टू ए कवर करने के लिए आपको टी बाय फोर लगेगा सेकेंड्स, डायरेक्ट जीरो टू ए डायरेक्ट करते हैं, तो जीरो टू ए विल बी योर टाइम पीरियड का 1/4 होता है, एक चीज़ याद रखिएगा. अगेन इफ यू गो फ्रॉम माइनस ए, माइनस ए टू ए करेंगे तो टी बाय 2 सेकेंड्स लगेगा आपको टाइम, माइनस ए टू ए, बिकॉज दैट विल बी हाफ ऑफ द वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन मतलब एक एंड से गया और वापस आना होता है, आप सिर्फ गए,
So that is T by 2. If you come back, so again T by 2. So T by 2, T, that will become T. Okay. So ye tree diagram aap yaad rakhiyega. This is for a displacement. So aaj displacement agar diya hai, to time hame nikalna hai, to hum nikal sakte hain. तो ये कुछ हमने आज जो भी मोस्टली जो सम्स किए हैं वो सम्स हमने बेसिकली आपको ये बताने के लिए किया है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशंस में व्हेन द पार्टिकल मूव्स वो कितना लग सकता है. ओके, अब हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. So now, please open that your H.C. Verma book and first exercise. Video ko pause kar lijiyega aap. Aur agar open kar liya hai, to let's see the exercise ka first question dekhi. Let's do few questions from the H.C. Verma. A particle executes simple SHM with the amplitude 10 cm. So we know the amplitude, that is of 10 cm. And the having the time period is of 6 seconds. At the time t is equal to 0, it is at the position 5 seconds. It is at a position x is equal to 5 centimeter going towards a positive. Going towards a positive x-axis. Try to understand where the particle exactly. तो देखिए कि particle जो है, अब मैं ऐसे करके बता देता हूँ. ये एक line draw किया. ये x is equal to 0 है and this is your amplitude which is your 10 centimeter. पार्टिकल जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे पार्टिकल. एंड गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट मतलब इस तरफ जा रहा है वो. ठीक है, वो इस तरफ मूव कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखिए. ओके, ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ये दो क्वेश्चन पूछा है. ओके, इन दो क्वेश्चन के आंसर देने. तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप ये चीज़ें सोचिएगा कि पार्टिकल है कहाँ पे. हमें इक्वेशन लिखने, पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पे, एम्पलीट्यूड है 10, मतलब पार्टिकल मीन, और इसको मीन कहते हैं, और ये है आपकी एक्सट्रीम. पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के एकदम बीचों बीच में है. जब पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के एकदम बीचों बीच में, इसका मतलब है कि वो a by 2 से a की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. और आपने, मैंने टेबल बनाया था, इसमें a by 2 टू a के बीच में जो टाइम लगता है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज t by 6. ये टाइम मैंने आपको बताया t by 6. ओके, और दूसरा जो आप इक्वेशन लिखते, पहले तो हम चलते इक्वेशन जो होता है, इट इज हैविंग द फॉर्मूला x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. ये होता है अब फेज कांस्टेंट. आप देखिए आज ही के लेक्चर का सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब पार्टिकल ऑलरेडी मिड पोजीशन की वजह से फेज कांस्टेंट जो होता है, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो पाई बाय 30 डिग्री होती है, पाई बाय 6 होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, पाई बाय 6 आएगा. तो इक्वेशन और एम्पलीट्यूड तो आपको पता है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे साइन ओमेगा की जगह पे आप लिखेंगे 2 पाई बाय टी, टी की जगह पे 6 लिखेंगे इनटू टाइम स्मॉल टी, एंड दैट इज योर पाई बाय 6. तो ये हो गया आपका एक्स, वी गॉट द वैल्यू फॉर एक्स, इक्वेशन मिल गया आपको. अब दूसरा क्वेश्चन जो है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. बट यू मस्ट बी अवेयर दैट कि एक्सेलरेशन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं हम. देखिए, तो वैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि हम कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं. देखिए ट्रिक, देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से. देखिए अभी आपको पता चला कि टी बाय 6 लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, बोल रहा है कि 4 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन कितना होगा. तो आप जरा ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक टी बाय 6 है, टी कितना आपका 6 है, तो जरा आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में बोल रहा है. यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड इसने यूज कर लिया, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, 1 सेकेंड में वो एक्सट्रीम पे पहुंचा, बचे कितने सेकेंड, 3 सेकेंड बचे, 3 सेकेंड में. अब देखिए टी है, इसका आधा करेंगे तो 3 आता है, तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से कहाँ गया होगा, मीन पे गया होगा. यानी कि जो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक्चुअली आपका पोजीशन कहाँ होगा, बताइए पोजीशन किस तरफ होगा. पार्टिकल 4 सेकेंड में कहाँ होगा, पहले 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरे 3 सेकेंड्स में वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा. यानी पोजीशन कहाँ होगी, मीन पे होगी. यानी पोजीशन कहाँ होगी उसकी, मीन होगी, मीन पोजीशन. ऐसा ऐसा हमें लगता है कि इनकी मीन पोजीशंस होनी चाहिए, बिकॉज t by 2 का मतलब वो कहाँ होगा, इट विल बी, सॉरी हाँ, इट्स अ t by 2, बिकॉज इट्स अ, सी 3, ये तो है t by 6,
एंड दिस इज योर टी बाय टू. टी बाय टू का मतलब कहाँ पे हुआ? देखो टी बाय टू मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे होगा, तो ये पार्टिकल जो होगा वो एक्सट्रीम एंड से होगा, और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ओके मैक्सिमम. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो द एक्सेलरेशन इज हैविंग अ फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए. एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप? एम्पलीट्यूड रखेंगे. एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर रखा है, यहाँ पे 10 रखेंगे. अच्छा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना है? 10. 10 को हम 0.1 लिखेंगे. हाउ मच इज अ टाइम पीरियड? कम ऑन टेल मी हाउ मच इज अ टाइम पीरियड. द टाइम पीरियड इज 6 सेकेंड्स. सो वी कैन पुट हियर 6. ओके यहाँ पे 6 रखेंगे. ठीक है तो अभी काम करते हैं हम यहाँ पे. अब पाई स्क्वायर को मैं पाई स्क्वायर हाउ मच इज अ टाइम पीरियड एग्जैक्टली? टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? टाइम पीरियड इज गिवन एज ए 6 सेकेंड्स. सब्स्टिट्यूट हियर एज ए 6. यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. ओके सो व्हाट यू विल गेट? 4 ओके पाई स्क्वायर कैन आई राइट इज एट 100 अपॉन ये 6 को लिख सकते 36. 6 स्क्वायर 36 इंटू 10 सो विच विल बिकम 40 अपॉन 36. कैन आई राइट इज अ 40 अपॉन 36? सॉरी इट्स नॉट अ 40 बिकॉज इट्स 0.1. तो एक 10 ले लेगा इसको, तो आई थिंक ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा. तो 40 अपॉन 36 विच कैन बी रिटन एज 40 बाय 36 को लिखेंगे 10 अपॉन 9 विच इज 1.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर में लिखने के लिए आपको, अगर ये मीटर में, आई थिंक दैट विल बी बेटर टू कीप इट इन ए मीटर, तो आपको ये आंसर आ जाएगा. सो आप ये हो गया आपका एक्सेलरेशन द वे वी हैड कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन. इस तरीके से आप इजीली आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है आई थिंक दैट वुड बी बेटर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 1 और ये 9 करूँ और ये हो जाएगा 10 अपॉन 9. तो 10 अपॉन 9 करेंगे सो विच इज अगेन इट इज 1.01 सो विच इज़ वेरी क्लोज टू, इफ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन टू अ, इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो आपको कुछ 11 के आसपास आंसर आएगा. सो सेंटीमीटर्स में इफ यू वॉन्ट टू कीप इट. ठीक है तो ये हमारा हुआ एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक. जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वो हमने HC वर्मा का जो है वो हमने किया, कंप्लीट किया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज रिटन हियर? द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस थ्री थिंग्स आर गिवन टू यू. द पोजीशन इज रिटन एज अ 2 सेंटीमीटर इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन द टाइम द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एट दैट पोजीशन द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस समय एक्सेलरेशन इतना है. दो क्वेश्चन पूछ रहा है. पहला तो पूछ रहा है कि आप एम्पलीट्यूड बताइए और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, आपका टाइम पीरियड कितना होगा. ओके अब जरा आप ये सोचिए कि पोजीशन दिया है पार्टिकल का जो SHM परफॉर्म कर रहा है और उसमें पोजीशन की मैग्नीट्यूड दी है. पोजीशन उसका 2 सेंटीमीटर का पोजीशन है. रिमेंबर दिस इज द पोजीशन. सो व्हाट इज एग्जैक्टली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी आपने ये सारी चीज़ें लिख दी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन दी है, वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन दिया. हमें पूछा था एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. तो अब आप देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ हैविंग द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है एंड द वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी इज हैविंग द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है ये आपकी वेलोसिटी होती है. ठीक है अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एक्स तो आपको पता ही है ना, दैट इज 2 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन एज 0.02 मीटर. तो हम एक काम करेंगे, एक्सेलरेशन दिया है 10 और ये ओमेगा स्क्वायर. एक्स की जगह पे 0.02 वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर. इफ यू गोइंग टू डिवाइड दैट यू विल गेट 10 डिवाइडेड बाय 0.02 विच इज योर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है सो ओमेगा स्क्वायर इज 1000 अपॉन 2. ओके मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 100. सो द ओमेगा स्क्वायर इज 500. ओके 5500. सो 500. सो द वैल्यू फॉर ओमेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 500. 500 इज 10√5. वी कैन राइट दैट एज अ 10√5 सेकेंड्स, सॉरी रेडियन पर सेकेंड.
ठीक है, 10√5, दैट इज व्हाट योर ओमेगा. नाउ नाउ व्हाट इज योर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2π बाय ओमेगा. सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला 2π एंड ओमेगा, ओमेगा इज 10√5, ठीक है. तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो 3.14 डिवाइडेड बाय 10 इंटू रूट 5 की वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा और आपको इसका आंसर जो है वो आ जाएगा. तो ये आएगा आपको टाइम पीरियड, इस तरीके से आपको टाइम पीरियड आ जाएगा और ये आपकी ओमेगा आ गई. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड. अब हम एम्पलीट्यूड को किस तरह से कैलकुलेट करें, तो ये आपने लिख लिया होगा. अब एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है, सभी को पता है वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी पढ़ा था, फॉर्मूला वेलोसिटी का. और वेलोसिटी की तो वैल्यू 1 दी है एंड ओमेगा वी गॉट इट, दैट इज 10√5 अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये निकालना है आपको. और एक्स आपको दिया है आपको 0.02 एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ दैट. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो कि 500 आएगा. ये देखो ना ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर माइनस 0.004, ठीक है. ये इस तरीके से आएगा. सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो 1/500 दैट इज इक्वल टू ए माइनस 0.0004, एक और जीरो आ जाएगा, 0.0004 ये आ जाएगा. अब इसको प्लस कर दीजिए सो आपको वैल्यूज आ जाएंगे. ये आ जाएगा कुछ 0.2 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.00 मतलब 1/5 इज 0.2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.0004 इज व्हाट योर एम्पलीट्यूड विच विल बी रिटन एज 0.002024 विल बी योर एम्पलीट्यूड, ठीक है. अगर ये 2.5 होता दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड विल बी 0.5 आता, बट ये आंसर जो है विच विल बी वेरी क्लोज टू 0.5, तो कुछ इस तरीके से 0.49 मीटर के आसपास कुछ आएगा आंसर. सो द एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 0.49 के आसपास आंसर्स आएंगे, क्योंकि 0.49 का स्क्वायर करेंगे देन यू विल बी वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू, आप उस वैल्यू के काफ़ी क्लोज पहुंचेंगे. तो ये हुआ उसका एम्पलीट्यूड और ये हुई उसकी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के लिए आप ये वाला प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा और इस तरीके से आपको आंसर्स आ जाएंगे. ये तो हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा इसे, सेकेंड क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख लीजिएगा. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. The third question is the particle is performing SSM with an amplitude of 10 cm. So amplitude is given as a 10 cm. At what distance from the mean kinetic and potential energy will be same? Kinetic and potential. अब आप देखिए अभी हमारी जो अगली टॉपिक होगी वो आप अच्छे से देखना. इसमें हमने आपको बताया है कि kinetic and potential energy actually ये आपका मेन पोजिशन है x is equal to mean पे kinetic जो है ना सबसे highest होता है, याद रखिएगा. काइनेटिक की वैल्यू एकदम हाईएस्ट होती है. सो काइनेटिक विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो ये वैल्यू जो है ना कुछ ऐसे जाती है, रेज हो जाती है और ऐसे आते आते नीचे आ जाती है. यानी ये माइनस ए से प्लस ए पे आपका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो पे होती है. जैसे जैसे आता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है यहाँ पे. तो ये ऐसी पोजिशन है जहाँ पे ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी. मतलब एक ऑसिलेशन में दो बार ऐसा होता है कि वो लोग आपस में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा दो बार इक्वल होते हैं. तो इनकी जो पोजीशन होती है यहाँ से यहाँ तक वो x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू पोजिशन होती है. हाउ मच? ए बाय रूट टू. सो x मस्ट बी ए बाय रूट टू पोजिशन पे वो आपस में इक्वल होते हैं. इस पोजिशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होती है, ठीक है. ये मेरे वीडियोस देखिएगा, 100% मैं आपको बताऊंगा एनर्जी वाली टॉपिक से कंसर्न है. सो द ए इज 10 सेंटीमीटर, तो 10/√2 इज 0.7072 विच इज फाउंड टू बी 7.07 सेंटीमीटर. इस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होगा, तो इसका आंसर आएगा 7.07 के आसपास.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सी द फोर्थ वन, द फोर्थ क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू। फोर्थ क्वेश्चन, V max is given to you and the value for V max is 10 centimeter per second and acceleration maximum and that is given to you 50 centimeter per second square, that is your V max. Okay, the find the position of the particle when the speed is 8 centimeter per second. So we have to find out x when V is 8 centimeter per second. देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, ये ना कि आपको दो चीज़ें इसमें पूछी हैं एक्स्ट्रा जो उन्होंने दी भी नहीं है आपको, तो आपको वही दिमाग लगाने, क्या कौन सी दो चीज़ें, पहली तो एम्पलीट्यूड और सेकंड जो है आपका ओमेगा। पहले ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको ये करना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट, वी मैक्स, सिंस वी मैक्स इज योर ए ओमेगा एंड द वैल्यू फॉर ए ओमेगा 10 दिया है। मैं साइन कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग एज इट इज। नाउ सी ए मैक्स, योर एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज ए ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज योर 50। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट ओमेगा विच इज 5। आपका चुटकियों में आपने आंसर निकाल लिया ओमेगा। अब ये 5 को यहाँ रख दीजिए, आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड। ए इंटू 5 इज योर 10, सो ए इज योर 2। यू गॉट द वैल्यू फॉर 2 एंड रिमेंबर ऑल दिस आर इन CCS, तो एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मिल गया, खत्म सम्स। आपको दिया है वी मैक्स, वी दिया है 8 है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्स निकालते हैं। सिंस वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। नाउ वी, द स्पीड इज 8 एंड द ओमेगा इज 5, एम्पलीट्यूड इज 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे आप 8 अपॉन 5 इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 16 लिख लिया, तो डायरेक्ट 16 माइनस एक्स स्क्वायरिंग करेंगे 64 अपॉन 25 इजिकल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो द एक्स स्क्वायर इज 16 माइनस 64 अपॉन 25, सो द एक्स स्क्वायर इज 8400 माइनस 64 अपॉन 25, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इट विल बी अराउंड 336 upon 25, so the value for x is under root of 336 upon 5. अगर ये 324 होता तो 324 का 18 होता है, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ 18 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 361 होता तो 19 लिखता, तो 18 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग सेंटीमीटर। वो आप एक्यूरेट आप बता देना कि इसके आंसर्स कितने आते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू एंड आंसर इज 3.12 वॉट एवर यू विल गेट इट, डू इट बाय योर वे प्लीज। आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये तो था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर साइन 100 टी, 100 टी प्लस पाई बाय 6 इज गिवन टू यू। सो रिमेंबर ये जो होता है वो एक्चुअली ओमेगा है आपका और ये आपका एम्पलीट्यूड है, तो ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन टू यू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन विच बेस्ड ऑन द स्प्रिंग, तो अभी स्प्रिंग वाली कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर भी चलिए 2 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 2 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड थर्ड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड्स।
ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। तो एम्पलीट्यूड तो आपका फर्स्ट पार्ट तो अभी ओवर हो गया, एम्पलीट्यूड तो इसकी 2 सेंटीमीटर आ गए। थर्ड पूछ रहा है कि फोर्स कॉन्स्टेंट कितना होगा। फोर्स कॉन्स्टेंट के जो था, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा लेक्चर ऑसिलेशन का अटेंड किया था, तो ओमेगा इज के अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, स्क्वायरिंग तो कर लिया, सो द वैल्यू फॉर के इज एम ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब के लिए सारा मामला ओमेगा पे डिपेंड है, ओमेगा यू नो वेरी वेल 100 है, तो बस हो गया सम्स खत्म। मास इज गिवन टू यू 2 ग्राम, 2 ग्राम का मतलब होता है 2 × 10⁻³, और ओमेगा स्क्वायर इज 10⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 20, सो द के इज 20, सो 20 dyne, बिकॉज दिस इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओके dynes पर सेंटीमीटर, तो 20 dyne per centimeter आपको किया है, दो पार्ट आपके हो गए। थर्ड पूछा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द टाइम इज 0 सेकंड्स। अब आप समझिए यहाँ पे, जब पोजीशन को, थर्ड पार्ट पोजीशन, अब जरा सोचिए पोजीशन निकाल रहे हैं और आप वैल्यू लिख रहे हैं 2 cm sin 100 t। अब यहाँ पे व्हेन द टी इज 0, वी आर पुटिंग अ 0 बिकॉज हियर इट इज रिटन 0 सेकंड, सो 0 रखेंगे तो इंटायर वैल्यू विल बी 0, so only there will be a pi by 6, so आपको आएगा 2 cm × sin π/6, sin pi by 6 बोलेंगे, sin 30 हाफ होता है तो 1 cm आएगा, यानी पोजीशन जो होगी वो उसकी 1 cm की होगी। रिमेंबर एम्पलीट्यूड है 2 cm, पोजीशन है 1 cm, मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि पार्टिकल जो है वो मीन और एक्सट्रीम के बीच में है पार्टिकल। ये दो पार्ट हो गया आपका। तीसरा पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी वही सेम करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा आपका कितना है 100 है, ओमेगा आपका 100 है, एम्पलीट्यूड कितना है आपका 2 cm, 2 का स्क्वायर 4, और x कितना है 1 का स्क्वायर 1, रूट थ्री मतलब 100 × 1.73 मल्टीप्लाई इफ यू डू, तो 173.2 cm/s विल बी योर स्पीड, यानी इन ए मीटर, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट इन ए मीटर, सो द वैल्यू विल बी 1.732 m/s, सो दैट्स व्हाट द स्पीड। ओके नेक्स्ट इज यू नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। द फोर्थ पार्ट आई थिंक मैं यहीं पे कर देता हूँ। The fourth is your acceleration. So acceleration is omega square x. The omega square means 10⁴, and the x which you got is a 1 cm. So if you adjust 1 cm, देखिए, one thing is sure. एक मिनट, I had converted that into a kg, and here I had written 100. So kg, if I'm writing it, so that is a newton, and I'm writing in a meter. ठीक है, न्यूटन पर मीटर, 20 newton per meter, हाँ सॉरी यहाँ 20 newton per meter, एंड ओवर हियर इफ राइटिंग ओमेगा इज 100 एंड दिस इज 1 cm, अगर आप उसको रखना चाहते हो तो रखें, नहीं तो उसको ऐसे छोड़ना छोड़िए, उसको या तो मीटर में चेंज करना है तो उसको लिखेंगे 10⁻²⁺ m, विच कैन बी रिटन एज 10⁻², ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर एक्सेलरेशन। ओके सो दिस इज हाउ वी हैड कैलकुलेटेड दी फ्यू क्वेश्चंस। आप तुरंत आप इसे लिख लीजिए, फटाफट आप इसे लिख लीजिएगा, विच वी हैव गॉट द आंसर्स फॉर दैट। ठीक है, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जल्दी 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 से। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स हमने निकाल लिए हैं, फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज के एच सी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस किए। Now the next, wait for my next video which will be based on your energy, because until and unless energy and spring constant pe based hum sums bahut sare karenge, wo bahut hi important part hai, to wo miss mat kijiyega, aur ye videos ko pakka aap 100% apne friends mein share kijiyega. Okay, till then goodbye.